हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ जलेबी, और वो भी जलेबी हम बहुत जल्दी बनाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हम ये जलेबी को रेडी करेंगे, जो बहुत ही कुरकुरी है और बहुत ही टेस्टी है। और इसे हम सर्व करेंगे दही के साथ, तो ये जलेबी और जो दही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम 2 कटोरी चीनी डालेंगे। ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, इस कटोरी से 2 कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे, और इसी कटोरी से हम इसके अंदर 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, और ये 1/2 कटोरी, तो 1.5 कटोरी पानी हो गया। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके की हमें चाशनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें एक उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। आप ऑरेंज फूड कलर की जगह केसर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाला है। और 3 से 4 मिनट इसे हम और उबालेंगे। हमने पानी कम डाला था, इसलिए जो हमारी चाशनी है वो जल्दी रेडी हो जाएगी। 4 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1/2 नींबू का रस डालेंगे। इससे क्या है कि जो हमारी चाशनी है जल्दी जमेगी नहीं। गैस को हम ऑफ कर देंगे और ये जो चाशनी है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं और इसके बैटर की तैयारी कर लेते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और इस बोल के अंदर, जिस बोल से हमने चीनी लिया था उसी बोल से हमने इसमें 1 कटोरी हमने इसमें मैदा लिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। और 1 कटोरी हम पानी लेंगे, जिसे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। पहले ये जो तेल और मैदा है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। सारा पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के और इसे घोलना है, फिर थोड़ा पानी डालेंगे फिर घोलेंगे। तो इस तरीके से हमें इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी करना है। बैटर भी बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सारा पानी हमने इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदे में 1 कटोरी पानी डाला। और ये देखिए, इसे हम इस तरीके से अच्छे से फेटेंगे, मिक्स करके अच्छे से हमें इसे फेटना है। बहुत ही अच्छे से इसे हमें फेटना है, तभी जो हमारी जलेबी है अच्छे से एकदम कुरकुरी बनेगी। और ये देखिए, जो हमारा बैटर है आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम बैटर को ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक पैन लेंगे। मैंने यहाँ पे ये पैन का इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने तेल डाला है। और आप देख पा रहे होंगे ये जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें कुछ इस तरीके का बर्तन चाहिए। कढ़ाई में हम इसे नहीं बना पाएंगे, इसमें क्या जलेबियाँ हमारे अच्छे से बन पाती हैं। तो हम क्या करेंगे, तेल को गरम करेंगे। और जैसे ही तेल हमारा गरम हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है वो लेंगे। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है और ये जो बैटर है हमने वो लिया। इसमें मैंने 1/2 पैकेट के करीब इनो डाला है, और इनो डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हमें इस तरीके से फेंटना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें छोटे छोटे जो बबल्स हैं आने शुरू हो गए हैं। अच्छे से फेटना है हमें इनो डालने के बाद। अच्छे से पूरा इनो जो है अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पूरे बैटर में। और ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जलेबी बनाने के लिए हमें एक सॉस की बॉटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो सॉस की बॉटल होती है वो ली है, और इसके अंदर ये जो बैटर है हम इसे डालेंगे। अगर आपके पास ये सॉस की बॉटल ना हो तो आप जो हमारे घर में दूध आता है उसकी जो थैली होती है उसे अच्छे से वॉश करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डाल के और नीचे की तरफ से आप उसको कट कर दीजिए, आपको जो साइज़ चाहिए उस साइज़ का।
और फिर आप उसके अंदर से कीप की तरह, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं, उस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जलेबी बना सकते हैं। ढक्कन हमने बंद किया और अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल के देखते हैं निकल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये इतना पतला निकल रहा है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है लेकिन तेल गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा डाल के देखते हैं, अगर ये ऊपर आएगा तो ये जो तेल है अच्छे से गर्म हो गया। ये देखिए ऊपर आ गया है। तो चलिए हम जलेबी बनाते हैं। इस तरीके से घुमा घुमा के डालना है हमें और ये एक जगह हमें इस तरीके से लॉक करना है। ये देखिए ऐसे घुमाया और ये इस तरीके से ऊपर को लेके आए, घुमाना है और फिर ऊपर को लेके आना है। ऊपर को लेके आके हमें लॉक ज़रूर करना है, नहीं तो क्या है, जो जलेबी है वो तेल में पूरी खुल जाएगी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, जो जलेबी है हमारी सारी तेल में ऊपर आ गई हैं, फ्लोट हो रही हैं, तैर रही हैं। थोड़ी सी जगह यहाँ पे बची है, मैं यहाँ पे एक और जलेबी डाल देती हूँ। ये देखिए इसे घुमा घुमा के डालना है और ऊपर की तरफ लेके आना है, तो इससे क्या होगा, जलेबी जो है वो लॉक हो जाएगी। अब ये देखिए सारी जो जलेबियाँ हैं ऊपर तैर रही हैं। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें पलट देंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना, बस जैसे ही थोड़ा सा ये हमें लगे, छूते ही आपको पता चल जाएगा ये थोड़ा कुरकुरा सा हो गया है, तो हमें तुरंत पलटना है। ये इस तरीके से हम सारी जलेबियों को पलट देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा कलर चेंज हो गया है, फिर से हम पलट देंगे इसे। अब थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई करके हम इसे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए इनका कलर जो है काफ़ी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे और बाकी सबको भी ऐसे ही हम फ्राई करेंगे। अब ये जो हमारी चाशनी है उसके अंदर हम इसे डालेंगे। तीन से चार मिनट के लिए हमें इस चाशनी में इसे डुबो के रखना है। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब हम चाशनी में से इसे निकाल लेंगे और बाकी जो है जलेबियाँ वो भी हम इसी तरीके से सारा फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। और फिर इसे भी हम ऐसे ही चाशनी में डालेंगे तीन चार मिनट के लिए या दो तीन मिनट के लिए। आपको लगे कि हाँ दो तीन मिनट में नहीं हो पा रहा तो आप थोड़ी देर और इसमें डाल सकते हैं, तीन से चार मिनट तक डाल सकते हैं। और ये देखिए जो सारी जलेबियाँ हैं हमने इसमें से निकाल ली हैं और बाकी जो बची हैं उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम पिस्ता के साथ इसकी गार्निश करेंगे और दही के साथ इसे खाएंगे। दही और ये जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए जो जलेबी है एकदम कुरकुरी बनी है, तोड़ते ही आपको पता चल गया होगा कि जलेबी हमारी बहुत ही कुरकुरी बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मार्केट जैसा तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी बहुत बढ़िया जलेबी बनी है।